दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक के लिए बढ़ाई। जी हां, आपको बताया चले कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहली बार एक साथ कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके चलते दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से 20 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हमने घोषणा करी थी कुछ दिन पहले कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने जो सफाई अभियान की शुरुआत करी थी, अब दिल्ली होगी साफ। पर जैसे दुर्गेश जी ने कहा, दिल्ली होगी साफ नहीं, अब दिल्ली हो रही है साफ। और आज हमने इस कैंपेन को शुरू किया है और आज हमारे दिल्ली का सबसे क्रूशल एरिया जो चांदनी चौक विधानसभा है, हमने वहां से शुरुआत करी है। हमेशा से जनता की यहां पर परेशानी रही है साफ सफाई को लेकर, और अब हम एक एक यहां पे पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और अगर किसी तरह की भी कोई हमारी कंप्लेंट मिलती है तो हम उसको ऑन द स्पॉट और सेम डे रिसॉल्व करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ के जो विधायक हैं साहनी जी, यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं पुनर्दीप साहनी जी, हमारे सादिक जो पार्षद हैं दुर्गेश पाठक जी, एमसीडी प्रभारी, हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और आने वाले मार्च के पहले हफ्ते तक ये पूरा अभियान चलेगा। जो वादा हमने किया है दिल्ली की जनता को, पूरी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का, तो आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और दिल्ली की जनता से मैं फिर से दरख्वास्त कर रही हूँ एक बार दोबारा कि हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और अब दिल्ली रखनी है साफ। ये जनता की भी जिम्मेदारी होगी, हमारी तो है ही, अधिकारियों की भी है। अब जनता का साथ एक बार फिर से दोबारा चाहिए ताकि दिल्ली को हम ऐसा साफ सुथरा बना सकें जो हम बाहर के देशों से दिल्ली को कंपेयर करते हैं।